ये आज बच्चे ध्यान देंगे। आज का जो वीडियो है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का 5वां वीडियो है, जिसे पार्ट 5 के नाम से हम इसको समझा रहे हैं। इस खंड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आपको ये जानना है कि फर्टिलाइजेशन जो इसके पहले की घटना थी, फर्टिलाइजेशन, उसमें मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जाइगोट के बाद अब जो भी डेवलपमेंट होता है उसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो जाइगोट के बाद अब ये जाइगोट्स जो बनते हैं, ये जाइगोट किसी भी तरह से अगर ये देखा जाए तो ये भिन्न भिन्न एनिमल में ये जाइगोट भिन्न भिन्न तरह से डिवीजन करते हैं। जैसे एल्गी फंजाई में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट्स अंडरगोज मियासिस डिवीजन एंड फॉर्म स्पोर्स, एंड ईच स्पोर्स डेवलप्स इनटू ए न्यू स्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि एल्गी फंजाई में जो भी जाइगोट बनते हैं वह चूंकि उनका लाइफ साइकिल हैप्लॉयड होता है, इसलिए जाइगोट तुरंत ही मियासिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन करके वह स्पोर बनाता है और फिर ये स्पोर डेवलप करते हैं, नए नए इंडिविजुअल बनाते हैं। लेकिन जो डिप्लॉयड एनिमल हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं, इवन ह्यूमन बींग्स, जाइगोट्स डेवलप बाय माइटोसिस डिवीजन। तो जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और इस तरह से वो डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जाइगोट में हैप्लॉयड लाइफ साइकिल के एनिमल में या इंडिविजुअल में ये मियासिस डिवीजन करते हैं, और वही जो है डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जाइगोट जो है माइटोसिस डिवीजन करके डेवलप करते हैं। अब आपको ये जानना है कि ओविपेरस और बीबीपेरस। देखिए, ओविपेरस की घटना ये होती है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं, इस जाइगोट को जो एनिमल होते हैं हैच आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और फिर उस जाइगोट को हम जो एग कहते हैं, और उसमें ये लगातार जो है ये वृद्धि होती रहती है और ये माइटोसिस डिवीजन से फिर वो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनको एनिमल जो है इनक्यूबेट करता है, उनको सेता है और फिर वो नई प्रकार से इनक्यूबेशन के बाद जो है उससे उनके जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, वो हैच आउट हो जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो जाइगोट बनते हैं वो जाइगोट एनिमल के अंदर ही, उनके बॉडी के अंदर ही वो डेवलप करता है माइटोसिस डिवीजन से, और फिर डेवलप करके वो बेबी बन जाता है। तो इस प्रकार से फिर वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें हम बीबी पेरस कहते हैं। तो इस तरह से अगर ये आपने जान लिया कि ओवी पेरस क्या है, बीबी पेरस क्या है, माने अगर वो जाइगोट बाहर आकर के डेवलप कर रहा है तो ओवी पेरस, अगर बॉडी के अंदर अगर डेवलप करके न्यू स्प्रिंग बना रहा है, आप नए संतान को डेवलपमेंट में वो विकसित कर रहा है, तो उसे जो है बीबी पेरस, फिर क्योंकि वो बर्थ देते हैं, वो डिलीवर करते हैं बच्चे को। लेकिन एक चीज़ आपको जान लें कि जो जाइगोट से बेबी बनने तक की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम इम्ब्रियोजिनेसिस कहते हैं, इम्ब्रियोजिनेसिस। तो इम्ब्रियोजिनेसिस क्या है, माने जाइगोट से डिवीजन द्वारा विकास करना और विकास करके नए स्प्रिंग को
उत्पन्न करना, ये क्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। एम्ब्रियोजेनेसिस में रियली दो तरह की घटनाएं चलती हैं। एक तो अगर देखा जाए तो उसमें आप कह सकते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कोशिका विभाजन करके उस संख्याओं को बढ़ाती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती हैं, कोशिकाओं का जब संख्या बढ़ेगा तभी वृद्धि होगा। और दूसरी तरफ जब संख्याएं बढ़ जाती हैं, हजारों की संख्या में हो जाती हैं, तो उसमें ग्रुपिंग होने लगती है। सम सेल्स आर ग्रुप्ड इंटू ए आर्गन टीशू, माने कुछ कोशिकाएं जो है ग्रुप्ड होकर के टीशू बना लेती हैं, फिर आर्गन बना लेती हैं। इसका मतलब ये कि अब डेवलपमेंट के दौर में कोशिकाएं समूह बना बना करके विभिन्न प्रकार के टीशू और आर्गन बनाने लगते हैं, और इस तरह के जो टीशू और आर्गन बनते हैं उनको अगर ये कहा जाए कि जब ये जैसे कोई एनिमल के केस में ही देखा जाए तो कोई मांस बनाएगा, कोई हड्डी बनेगा, कोई जो है कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, नर्व्स की टिश्यू बनेगी और मसल्स बनेंगे। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जो विभाजन है, विभाजन के फलस्वरूप जो ग्रुपिंग होता है, तो ग्रुपिंग की क्रिया को, विभाजन को तो हम सेल डिवीजन कह लेते हैं, लेकिन जब कोशिकाएं जब ग्रुप्ड होने लगती हैं तो इनको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन आर द टू मेन फैक्टर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। इट मींस डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट टू बेबी कंटेन सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जब भी ये जायगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है बेबी बनने की क्रिया में, तो सेल डिवीजन की क्रिया और सेल डिफरेंशिएशन की क्रिया, दोनों क्रियाएं उसमें चलती हैं। और थोड़ा सा ये अगर हम पौधों के बारे में देखें, जो एडवांस पौधे हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जो पालन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो पालन ट्यूब में उनके गैमिट, मेल गैमिट कैरी होकर के वो ओव्यूल के अंदर एक तक पहुँचते हैं और वहाँ भी फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। और लेकिन जायगोट बनने से, जब जायगोट बनता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है उनमें, लेकिन जायगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर। और जब ये ओव्यूल बनते हैं तो ये ओव्यूल इस प्रकार से ये डेवलप होकर के सीड बन जाते हैं, और जो जायगोट है वो डेवलप करके उसमें एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो और सीड जो है, ओव्यूल सीड बन जाता है, और ये सभी ओव्यूल जो ओवरी के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो ओवरी होती है वो डेवलप करके फ्रूट बन जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये मुख्य घटनाएं होती हैं, मेल और गैमीट मिलकर के जायगोट बनाते हैं और ये जायगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाती है। और एम्ब्रियो चूंकि ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है इसलिए ओव्यूल भी चेंज हो जाता है सीड में, और चूंकि सीड ओवरी के अंदर होते हैं इसलिए सीड ओवरी जो है चेंज हो जाता है फ्रूट में। इस प्रकार से ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटना है, और ये इसके बारे में आप जो है इसको एक बार रिपीट करके भी देखिएगा, और देख करके ये इसका कुछ नोट्स बना लीजिए, और इस तरह से जब कुछ नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।